हेलो गाइस, आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाएं और अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे आपको होम थिएटर या लैपटॉप या किसी भी डायरेक्ट करंट कंपोनेंट या डिवाइस चलाना हो आपको, तो हम कैसे जनरली अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक ट्रांसफार्मर लिया है गाइस, जो ट्रांसफार्मर हमें अल्टरनेटिव करंट को रेसिस्ट करके वोल्ट देगा। जैसे जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जब सप्लाई लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 235 वोल्ट आती है जनरली। वहां से हम इस ट्रांसफार्मर के जरिए वोल्टेज कम करके यहां पे 12 वोल्ट लेंगे और 20 वोल्ट। सो दोनों वायर हमें 20 वोल्ट दे रही है और एक दिस ग्राउंड एंड दिस वोल्ट वायर 12 वोल्ट, सो 12 वोल्ट देगा मुझे। अब सी गाइस हियर, अप्रॉक्सीमेटली जब 12 वोल्ट दे रहा हमें, तो हम यहाँ पे जनरली ए डायोड के जरिए और कैपेसिटर के जरिए हम वोल्टेज घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं डायरेक्ट करंट में। अगर डायरेक्ट करंट को हमें अल्टरनेटिव करंट करना है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे करोगे, बट जनरली इसी है हमें अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है बाय मेकिंग ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम ऐसे चार डायोड लेंगे जनरली, और ये डायोड में जनरली सी गाइस यहाँ पे ये जो सिल्वर लाइनिंग है गाइस, सी ये हमारा निगेटिव प्रॉक्स होता है, मीन्स इसे हम कैथोड कह सकते हैं, और इसको जो हमारा ब्लैक वाला उसे पॉजिटिव कहेंगे, उसे एनोड कहेंगे। सिमिलरली वे तो हम दो डायोड को हम कैथोड वाला को कनेक्ट करेंगे दो एक तरफ, और फिर दो एनोड वाला को एक जगह कनेक्ट करेंगे, और फिर चारों को ऐसे जोड़ देंगे। नाउ सी गाइस, हम इससे पहले डायोड को कैसे चेक करें कि जनरली डायोड सही है या नहीं। सो इसके लिए हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे मल्टीमीटर की पॉइंटर को प्लेस करेंगे, और सिंपली हम जनरली इसको एक, ये हमारा पॉजिटिव हो गया ब्लैक साइड एंड ये हमारा सिल्वर पॉइंट, ये नेगेटिव है हमेशा। तो नाउ रीडिंग ले रहा हूँ मैं, रीडिंग दे रहा है, बट अगर जस्ट हम अपोजिट अगर कर देते हैं तो हमें कोई रीडिंग नहीं देगा, इट मीन्स ये हमारा डायोड फंक्शनल है, नो रीडिंग गाइस, मीन्स ये हमारा डायोड सही है। सिमिलर वे आई विल चेक दिस वन, सो सी गाइस नो रीडिंग। अगर यहाँ पे ले रहे हैं दोबारा तो रीडिंग पर इन कैपेसिटर सिमिलर वे, ये हमारा जो सिल्वर लाइनिंग है प्लस यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव है। सो सिमिलर वे अगर हम डायोड और इसको देख लें तो सिल्वर लाइनिंग फॉर नेगेटिव एंड ब्लैक लाइन विल बी पॉजिटिव साइड गाइस, पॉजिटिव पॉजिटिव। नाउ सी गाइस, हम ब्रिज रेक्टिफायर के लिए यहाँ पे हम सिमिलर चार डायोड लिए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया दो सिल्वर लाइनिंग वाला को एक तरफ ऐसे जोड़ लेनी है, दो सिल्वर लाइनिंग एक तरफ और दो ब्लैक लाइनिंग जो है हमारा कैथोड एरिया का डायोड उसको जोड़ दिया, फिर दोनों को यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया। तो एक तरफ जो दो हमारा डायोड का कैथोड एरिया है निगेटिव सिल्वर लाइनिंग, वहाँ पर हम एक आउटपुट के लिए डीसी के लिए वायर जोड़ेंगे, और एक हम यहाँ पे कैथोड जो एनोड एरिया जो डायोड का है दूसरा वाला, वहाँ पे हम सी एक वायर जोड़ेंगे। ये हमारा आउटपुट हो गया डायरेक्ट करंट के लिए। अब सी गाइस, हम दो जब यहाँ पे दो सिल्वर लाइनिंग को एक जगह ज्वाइंट किए, वहाँ पे हम ये हमारा निगेटिव, जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा कैथोड है, यहाँ कैथोड पे हम कैपेसिटर को एनोड वाला पॉइंट जोड़ देंगे, इट मीन्स हमें यहाँ पे ब्लैक लाइन वाला यहाँ पे जोड़ना होगा। सी गाइस, यहाँ पे इस पे जोड़ेंगे ब्लैक लाइन। सो सिमिलरली आई हैव अ कनेक्टेड दिस लाइन सी ऑन अ, सो ऑन अ एनोड हम
निगेटिव कैथोड को जोड़ देंगे कैपेसिटर को. सो यहाँ पे हम सी, यहाँ पे हमारा दोनों डायोड का पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैंने हम कैपेसिटर को निगेटिव वाला पोल लिया है. और फिर इन दोनों के बाद हम यहाँ पे एक आउटपुट के लिए एक वायर लिया और एक यहाँ पे वायर लिया. ये दोनों पे जहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं कनेक्ट है, और एक एनोड है और एक कैथोड है. यहाँ पे भी एक एनोड है, एक कैथोड है डायोड का. इन दोनों पे हम अल्टरनेटिव करंट जोड़ेंगे. इट मीन्स गाइस, हम अल्टरनेटिव करंट के लिए एक यहाँ पे जोड़ेंगे सी, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव, और सिमिलर वे दूसरे पे भी हम. सो यहाँ पे हम सी गाइस, जैसे एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक अल्टरनेटिव करंट की सप्लाई जोड़ेंगे और एक दूसरा अल्टरनेटिव करंट के यहाँ पे जोड़ेंगे. सिमिलर वे सी, अल्टरनेटिव करंट एक यहाँ पे जोड़ना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे एक एनोड है, एक कैथोड है डायोड का, एक एनोड है कैथोड है. सो लेट्स ट्राई नाउ. नाउ सी, मैंने एक यहाँ पे जोड़ लिया गाइस, और दूसरा एक यहाँ पे जोड़ दिया. एक यहाँ पे जोड़ रहा हूँ गाइस, सी दिस वन ऑन एनोड एंड कैथोड. हियर अल्टरनेटिव करंट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द ट्रांसफार्मर, एंड हेयर इज ऑल्सो एनोड एंड कैथोड. सो हेयर इज ऑल्सो वन सेकेंड वायर अल्टरनेटिव करंट. नाउ सी गाइज, हम यहाँ पे डीसी करंट चेक करेंगे. सो नाउ मैं सप्लाई देता हूँ.